हेलो एवरीवन, आज हम आंकलन कार्य पत्र 3 करेंगे जो कि 10 अंक का है, हिंदी का है और क्लास 8 का है। तो ये है हमारा 17 सितंबर का। तो प्यारे बच्चों, आज हम बस की यात्रा के पाठ के 2 अंशों को पढ़कर फिर प्रश्न करेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे वाली बस से चले। पन्ना से किसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से रफ्तार मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 तो सुबह काम पर हाजिर होने थे, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस खुद ही डाके ने लोगों ने कहा। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत वृद्धावस्था में थी, बहुत बूढ़ी लग रही थी। सदियों के अनुभव के निशान थे उस पे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कोई तकलीफ ना हो। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती है, क्यों नहीं चलेगी जी, अभी चलेगी। हमने कहा, भाई तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया। ऐसी बस ने आप चलती है? हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर यह बस चली जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा हो, रंक हो या फकीर हो, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो ये है इसमें। अब लेखक अपने कितने मित्रों के साथ सफर कर रहे थे? 5। अगला है, लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी कि समझदार व्यक्ति शाम वाली बस में सफर नहीं करते? 3। बस खूब वृद्धावस्था में थी, पंक्चरी का आशय कि बस बहुत पुरानी थी। जो लोग यात्रियों को छोड़ने आए थे वे यात्रियों को किस नजर से देख रहे थे? जैसे वह उनको अंतिम विदा दे रहे हैं। 5। बस से यात्रा के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला? उन्होंने बोला था, बस अनुभवी है, बेटों की तरह हमें गोद में लेकर चलेगी, बस विश्वसनीय है। उन्होंने सभी शब्द कहे थे। अब किसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जाग गई? किसको? बस को देखकर। अब 7वां प्रश्न, राजा शब्द का विलोम, रंक यानी फकीर, रंक जो होते हैं वो गरीब, निम्न शब्द का अर्थ कारण, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग डाकिन, विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय निये। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।